Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Reza and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about benzene, halogenation and hydrogenation, chapter 9 and secondary chemistry. अच्छा आपसे बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन शेयर योर क्वेश्चन ऑन कॉमेंट सेक्शन यू विल बी आंसर्ड इंशाल्लाह ओके तो स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन सबसे पहले है जी हाइड्रोजिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या है मैं लास्ट वीडियोज़ में भी इसको डिस्कस कर चुका लेकिन मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ हाइड्रोजिनेशन क्या है हाइड्रोजिनेशन है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन बेंजीन और एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन लेकिन इस केस में हम बेंजीन को डील करें तो एडिशन टू बेंजीन है ठीक है तो ये हाइड्रोजिनेशन अब नेक्स्ट है जी इसका रिएक्शन या इसकी कोई एग्जांपल ठीक है बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजिनेशन क्या है उसकी कोई एग्जाम्पल दें उसका कोई रिएक्शन राइट डाउन करें तो आप ये रिएक्शन एज एग्जाम्पल और रिएक्शन के तौर पर आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बेंजीन रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ ठीक है निकल एज ए कैटलिस्ट है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कंडीशन है या प्लाटिनियम और क्या है हाइड्रोनियम भी यूज़ हो सकता है H3O पॉजिटिव भी यूज हो सकता है एज ए कैटलिस्ट अब इधर 3H2 मॉलिक्यूल्स मतलब कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन है ठीक है अब इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं और सिंगल बॉन्ड्स हैं अब लेट्स सपोज इधर डबल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है अब जब इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड कैंसिल आउट हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा ठीक है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी अब एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाए इधर तो ये वाला डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा अगर एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाए तो एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो तो ये वाला डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह 6 हाइड्रोजन ऑक्युपाई हो जाएंगे और डबल बॉन्ड क्या है ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा कोई आप रिंग नहीं ड्रॉ करेंगे ठीक है नहीं तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा इसका क्या नेम है जी साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन 6 कार्बन और साइक्लो मतलब एक स्ट्रक्चर का नेम है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन की डेफिनेशन क्या है वो भी इसी तरह ही हाइड्रोजिनेशन की तरह लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है हैलोजिन को आपने ऐड करवाना है ठीक है एडिशन ऑफ हैलोजिन इन बेंजीन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन को ऐड कराना हैलोजिनेशन हैलोजिन को ऐड करना हैलोजन क्या है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है ये है इनके जो जनरल आपको सिंपल यूज़ करते हैं वो है एक्स अब इसके एग्जांपल या इसकी रिएक्शन क्या है इसका जो हैलोजिनेशन का रिएक्शन है बेंजीन रिएक्ट करता है जिस तरह 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं इसी तरह 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करते हैं ठीक है क्योंकि इसकी जो अनसैचुरेशन है वो ख़त्म करनी होती है आपने ठीक है इन रिएक्शन में ये रिएक्शन के रिएक्शन हैं हैलोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन ठीक है अभी सेम उसी तरह जिसमें जिस तरह हाइड्रोजन ऑक्युपाई हुई है इसी तरह क्लोरीन भी जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ ऑक्युपाई होगी और डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ठीक है इसका नेम है स्ट्रक्चर का तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी थैंक यू